तो 4 अगस्त 2020 सबसे पहला जो करंट अफेयर आज का हमारा है वो है स्पेस एक्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ने से पहले स्पेस एक्स क्या है? देखो, अब तक दुनिया में जितना भी स्पेस के लिए काम होता है, मतलब हम कोई भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, कोई भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ज्यादातर ना पब्लिक सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया में इसरो होगी, अमेरिका जो मशहूर है नासा, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी स्पेस कंपनीज हैं, पर ज्यादातर सारी गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। अब एक नया फील्ड ओपन हो रहा है जिसमें धीरे धीरे स्पेस में अब प्राइवेट सेक्टर भी एंटर करने लगा। प्राइवेट सेक्टर एंटर करेगा तो ऑब्वियसली और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। पहले तो सिर्फ सारी इन्वेस्टमेंट बजट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, कि सरकारें कितना बजट देती हैं। प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, और खुद की मतलब लॉसेस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो यहाँ पे हमेशा लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस कारण इस फील्ड में जिस कंपनी को सबसे आगे माना जा रहा है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में, वो है स्पेसएक्स। तो इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जो स्टेट सर्विसेज हैं जैसे पीसीएस, एचएएस, इनमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पेसएक्स का फाउंडर कौन है। तो उसका फाउंडर है इलॉन मस्क, ठीक है। तो इन्होंने ये कंपनी शुरू की। इस कंपनी ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा लीप ओवर मारा है कि एक सक्सेसफुल अर्थ से लॉन्च किया अपने एस्ट्रोनॉट्स को। वो वहां पे 1 महीना रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। वो क्या है वो अभी नीचे जाके बताता हूँ। उसके बाद सक्सेसफुली अर्थ पे वापस लैंड भी करवा दिया। देखो, ये दो स्टेजेस ना सबसे मुश्किल मानी जाती हैं, टेक ऑफ की स्टेज और लैंडिंग की स्टेज। जब दोनों पूरी हो रही हैं तो एक बहुत बड़ा सक्सेस है स्पेसएक्स के लिए, क्योंकि यही कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। तो इन्होंने बहुत क्विकली बहुत ज्यादा पाथ ट्रैवल कर लिया। स्पेसएक्स एक्चुअली पिछले 8-10 साल में ही खड़ी हुई है कंपनी, उससे भी शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। फिर तो ये लॉन्च के थोड़े से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पीसीएस जैसे पेपरों में जैसे आ सकते हैं। देखो, जो अभी टेस्ट फ्लाइट गई थी ना स्पेसएक्स में, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पहले भी अपीयर हुए हुए हैं, तो फिर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस साल जिन्होंने पीसीएस देना है, टेस्ट पायलट्स कौन थे जो अभी इस कैप्सूल वापस आया है? डग हर्ली और बॉब बेनकिन, ये दो का नाम याद रखना। ऑप्शन गेस करनी है तो चाहे सिर्फ आगे के नाम याद रख लो, आंसर गेस कर पाओगे, पर पूरा नाम याद रखोगे। कई बार ना कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना देते हैं, जैसे बॉब के साथ सरनेम कोई और एक और ऑप्शन बना देंगे। तो बॉब बेनकिन और डग हार्ली, ये दोनों नाम याद रखना कि स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में ये दोनों गए थे, जिसका नाम इंडेवर है, ठीक है। तो कैप्सूल को नाम वैसे इंडेवर दिया गया था, इस बारी उसे वैसे ड्रैगन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला बस पॉइंट एक तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हॉथरॉन, कैलिफोर्निया में। सिर्फ कैलिफोर्निया भी ऑप्शन आ सकता है, उसके अंदर भी कैलिफोर्निया बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर हॉथरॉन जगह जो है वहां पे है। ये स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। अब बात करें यूपीएससी में, और स्टेट सर्विसेज में भी आ सकता है, पर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी, अगर स्पेसिफिकली मैं सेंटर की सर्विसेज की बात करूं, उसमें अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे जाके ये एस्ट्रोनॉट्स रहे थे,
उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है, पर सेंटर में तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी में कभी नहीं आएंगे, ये पीसीएस एचएएस ऐसे पेपर्स में ही क्वेश्चन आएंगे जो स्टेट सर्विसेज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, बेसिकली हमने क्या किया, ये जो अर्थ होती है ना, अर्थ के हमने ना अलग अलग ऑर्बिट्स मार्क किए हुए हैं। ऑर्बिट होता है जो अर्थ के चारों ओर घूमने का पाथ हुआ, ठीक है, जैसे हमारी सैटेलाइट्स घूमती हैं, तो अलग अलग पाथ पे ने रखा जाता है। हमने क्या किया है, हमने ना लोअर अर्थ ऑर्बिट पे एक बहुत बड़ा स्पेस में एक फ्लोटिंग, ये लगा लो स्पेस रिसर्च स्टेशन, हमने एक ऊपर प्लेस कर दिया, जो एक्चुअली तुम्हें हमें एक्चुअली पता नहीं चलता, पर हम कई बार रात को नेकेड आई में से देख भी सकते होते हैं मूव करते हुए। ये इतना बड़ा है साइज में, जो हमें नीचे अर्थ से भी दिखता है जब ये क्रॉस कर रहा होता है। दिन में लाइट होती है तो ऑब्वियसली हमें स्पेस में चीजें नहीं दिखती, रात को जब ये ऊपर से निकलता है तब एक्चुअली हम इसे देख सकते होते हैं। यहाँ पे इसे मतलब बिल्ड क्यों किया गया है, देखो आगे जाके हमारा जो प्लान है कि हम मून, मार्स, एस्ट्रॉइड्स, हर जगह पे इंसान को लेके जा सके और लॉन्ग टर्म वहां पे रह सके, उसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने बाकी हैं कि हमारी बॉडी पे क्या असर होंगे, हमें कैसे इक्विपमेंट बनाने की जरूरत है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, हमें क्या रेजिस्टेंस चाहिए, जो स्पेस के फैक्टर्स है मतलब वो सारे रिसर्च करने की जरूरत है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर सारी एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इन सब की रिसर्च की जा सके, ताकि कल हमने जब मून और मार्स के जो हमने मिशन लॉन्च करने हैं, हमें उसके बारे पहले ही बहुत नॉलेज डेवलप हो चुकी हो और वहाँ पे हिट एंड ट्रायल कम से कम यूज हो, ज्यादातर हम पहले ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अचीव कर पाए। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ओन कौन करता है, देखो कोई एक कंट्री नहीं ओन करती, ये पांच कंट्रीज का इनिशिएटिव है, एक साथ पांच कंट्रीज का इनिशिएटिव है। कौन सी ना, मतलब स्पेस एजेंसीज हैं उनके बिहाफ पे, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नासा, रॉसकॉम्स तुम्हारी रशिया की तरफ से, जाक्सा तुम्हारी जापान की तरफ से, ESA यूरोप की तरफ से, पूरे यूरोप की तरफ से, और कनाडा की तरफ से CSA, ठीक है। तो अगर सिर्फ कंट्रीज पूछी जाए तो USA, रशिया, जापान, यूरोप पूरा का पूरा एक साथ ही होता है हमेशा, यूरोप कंट्री नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट, सारी कंट्रीज अपना अपना बजट की कॉन्ट्रीब्यूशन डालती है ESA में, और ये सारे एक साथ ही लॉन्च करते हैं, और कनाडा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे ये सारे लिखा हुआ है कि यहाँ पे माइक्रोग्राविटी, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इसे बनाया गया, ताकि कल हम मून, मार्स जैसी जगहों पे सारे मिशंस की तैयारी कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये अर्थ से एवरेज 400 किलोमीटर ऊपर रहता है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस है इससे 400 किलोमीटर ऊपर ये लगातार यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें इसे एक्चुअली अर्थ का पूरा सर्कल पूरा करने में सिर्फ 93 मिनट्स लगते हैं, यानी कि हर डेढ़ घंटा लगा लो, हर डेढ़ घंटे में ये एक अर्थ का चक्कर पूरा कराता है, तो इतनी तेज स्पीड से ये घूम रहा है। पूरे दिन में ये 15.5 टाइम्स अर्थ के चारों ओर घूम के आ जाता है, तो ये घूमता रहता है। अर्थ अपनी पेस पे चल रही है, इसे अर्थ की पेस पे चलना जरूरी नहीं है, तो ये इतनी स्पीड पे चल रहा है कि एक दिन में पूरी अर्थ के 15 चक्कर लगा लेता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। पूरा जो स्पेस स्टेशन है, चाहे इसे ओन पांच कंट्रीज करती हैं, पर स्पेस स्टेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। देखो दो हिस्सों में क्यों डिवाइडेड है, दो कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जिनमें आपस में ज्यादा बनती नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, तो दो हिस्सों में इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिवाइड करके रखा हुआ था। दो सेक्शन है, एक रशिया का ऑर्बिटल सेक्शन है और दूसरा तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस का ऑर्बिटल सेगमेंट है, बाकी सारी कंट्रीज इनके साथ शेयर करती हैं, ये दोनों बेसिकली आपस में शेयर नहीं करते, बाकी सारी कंट्रीज इनके साथ शेयर करती हैं, ठीक है, इनके साथ शेयरिंग में रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला ना तुम्हें एक जो क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है, वो ये आ सकती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे पहला स्पेस स्टेशन है, जो वो स्टेटमेंट गलत होगी। ये नाइन्थ स्पेस स्टेशन है, यानी कि इससे पहले 8 स्पेस स्टेशन और बनाए जा चुके हैं,
पर वो यूजली जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, तब बनाए गए थे, तो दोनों ने अपने अलग अलग बनाए थे। ओवर द टाइम कोई ना कोई फेलियर के कारण वो बंद हो गए। इससे बहुत बड़ी कोलैबोरेशन के थ्रू चलाया जा रहा है, इस कारण ये इतना कामयाब है। ठीक है, इससे मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हो गए हैं, लॉन्च हुआ था 1998 में ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। कंस्ट्रक्शन कहाँ पे शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तुम्हारा अर्थ से ही लॉन्च कर दिया गया था, नहीं। पहले कुछ कुछ कंपोनेंट्स भेजे गए स्पेस में, उन्हें वहां पे एस्ट्रोनॉट्स ने जोड़ा और पूरा करते करते पूरा स्पेस स्टेशन असेंबल किया वहां पे। इतना बड़ा स्पेस स्टेशन तुम अर्थ से नहीं लॉन्च कर सकते, तो वहां पे धीरे धीरे इसके ऊपर बिल्ड किया। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट 1998 में भेजा था। सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहने गए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए गए, वो 2000 में चले गए थे। मतलब 2 साल में ये बन के इतना तैयार हो गया था कि अब इसके अंदर जाके लोग रह सकते थे। इसके अंदर लोग 2-2 साल तक भी रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्टेशन है ये, क्लियर। और हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पे लगातार तभी हर सरकार पैसा भी खर्च करती है, 5 सरकारें। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज जब ये सब कुछ बन रहा था 2000s के टाइम पे, तब इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप नहीं थी, तो इस कारण हमें इसका पार्ट नहीं बनाया गया। तो आगे से अगर कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च होता है, मुझे जो लगता है पर्सनली, इंडिया को जरूर पार्ट बनाया जाएगा। आजकल जितने भी इंटरनेशनली कोई भी तुम्हारे मिशंस चल रहे हैं, उनमें इंडिया, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी मिशंस चल रहे हैं, इंडिया उनमें जरूर हिस्सा बना हुआ है। तो आगे कोई फ्यूचर में जाके स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा नया, तो उसमें इंडिया को पार्ट जरूर बनाया जाएगा। थैलेश कुछ कहना? Can हाँ जी, हाँ जी, you हाँ जी, हाँ जी, hear me? हाँ जी सर, लाइक स्पेस स्टेशन में तो मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं ना, कितने मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, तो इंडिया मतलब अपना भी तो मॉड्यूल उनके साथ शेयर कर सकते हैं ना, मतलब कितनी मल्टीपल कंट्रीज अपने मॉड्यूल शेयर करती है ना वहां पर। हाँ जी, तो इंडिया भी तो अपना कोई मॉड्यूल वहां भेज ही सकता है, इससे वो अपने भी शेयर खरीद लेगा उसमें, या नहीं, कोई बात फाइनेंशियल एड कर दे। सबसे पहले बात है कि ये ना सब कुछ एग्रीमेंट के अंडर होता है। जो कंट्रीज क्या कहते हैं अपने मॉड्यूल्स भेजती है ना, वो एक्चुअली इनके साथ एग्रीमेंट साइन करती है। इंडिया भेजने को भेज सकता है, पर ये होगा कि तुम एक इनिशियल पार्टी नहीं बनते हो। जब तुम इनिशियल पार्टी नहीं बनते ना, तुम अल्टीमेट उसके जो एम्स और गोल्स है ना, तुम उसे अचीव क्या करना चाहते हो, वो उनमें तुम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहते। तुम जरूर अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए और नाम कमाने के लिए जरूर कह सकते हो कि हमने एस्ट्रोनॉट्स भेज दिए, हमने ये सामान भेजा, पर तुम उसके एम गोल्स इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं बना। देखो, जब तुमने कोई ना कोई मिशन ज्वाइन करना है, अगर तुम उसे सबसे इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन करते हो, तो हमेशा उस सिटिंग टेबल पे होगे जो सब कुछ ये डिसाइड करता है। तो इंडिया उस टेबल पे रहना चाहता है, तो इसलिए हम अगले एक्चुअली मिशन की वेट करेंगे जहां पे हमें मिल सके। तब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर लें, है ना? हाँ ओके सर, थैंक यू। जी, जैसे और भी बहुत जगह पे इंडिया ने इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन करने का सबसे बेटर, हर चीज को स्टार्टिंग में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि अल्टीमेटली हर मिशन का, हर रिसर्च का एक एम और एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर तुम सबसे पहले ज्वाइन करोगे, तभी तुम्हें वो पावर मिलती है कि तुम एम और ऑब्जेक्टिव हमेशा कंट्रोल कर सको। जितने मेंबर बाद में आते हैं ना, उन्हें यूजली, ऐसा नहीं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, यूजली उन्हें कभी उस सिटिंग टेबल पे जगह ही नहीं मिलती, तो इस कारण लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो करंट अफेयर है, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए है। ठीक है, तो जो यूपीएससी में अपीयर होंगे उन्हें याद रखना है। देखो, ओडिशा के बारे है ये करंट अफेयर, इस कारण तो जिन्होंने भी हिमाचल या पंजाब या हरियाणा के पेपर देना है, उन्हें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओडिशा सिविल सर्विसेज देनी है तो अलग बात है, तो बाकी यूपीएससी में आ सकता है। यूपीएससी में देखो, एक क्वेश्चन आते होते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज कहाँ को बिलोंग करती हैं। देखो, ये जो ऑप्शन है ना,
तुम्हें ये ऑप्शंस में से कोई दो का ऑप्शन या तीन का ऑप्शन देके बोला जाएगा ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये मतलब ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाएगी, बस इनके नाम। आगे तो वैसे थोड़ी सी डिटेल देने के लिए मैंने लिख दिया, बिकॉज अकेले नाम लिखे हुए बुरे लगते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल हो तो याद भी बेटर हो जाता है। पर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो सिर्फ ये नाम पूछेगी, गोंड, सर्ज, बोंडा, संथल्स, गोंड्स, भूमाईज, ओरांस, कोयास, प्रज्याज और गढ़वाल्स, बस ये ट्राइबल्स के नाम पूछेगी। लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे कुछ ट्राइबल्स, देखो हमने याद करने कुछ हमारे इंडिया के ट्राइबल स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ट्राइबल्स ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, तो इस कारण हमें कुछ सारी स्टेट्स के भी नहीं पर कुछ याद रखने हैं, उनमें से एक स्टेट ओडिशा इंपॉर्टेंट है, इस कारण यहाँ पे आज करंट अफेयर में ओडिशा, ठीक है, तो ओडिशा याद रखना, ठीक है। जैसे गोंड्स पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी ट्राइब है, संथल भी एक बहुत बड़ी ट्राइब है, ये दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के हिस्से बनते हैं, ठीक है, संथल और गोंड्स, ये दोनों सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अंजलि आप सबको कॉमनली मैसेज लिख रहे हो, अगर आप किसी को पर्सनली मैसेज लिख रहे हो तो सबको आ रहे हो मैसेज, ठीक है। हाँ जी, कल राखी हॉलीडे थी और कल कोई क्लास नहीं थी, जो भी पूछ रहा है अंजलि से, तो या अंजलि पूछ रही है तो मैं बता देता हूँ वो बाद में। हाँ जी, हाँ जी, सर ये सारी जिन्हें कम्युनिटीज हैं ट्राइबल कम्युनिटीज है उड़ीसा में चीन है। नहीं और भी आसपास के स्टेट्स में है, जैसे क्या कहते हैं हम जब संथल पढ़ेंगे, संथल हम ये भी देखेंगे आसपास के स्टेट, तुम्हारे झारखंड में पाए जाते हैं, गोंड कम्युनिटी भी इतनी बड़ी है कि तुम्हारे ये भी छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाके में पाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंट इनका और जगह पे भी है, तो इतनी पास तुम्हें कभी ऑप्शन नहीं आते, ठीक है, कि तुम कर ना पाओ। अगर क्या कहते हैं तुम्हें उड़ीसा ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह तुम्हें छत्तीसगढ़ ऑप्शन होगा, तो छत्तीसगढ़ ही होगा, उड़ीसा नहीं होगा उसमें, मतलब बहुत ही दूर दूर के ऑप्शन आएंगे। लेट्स सपोज तुम्हें संथल गैस करने को आता है, संथल एक ऑप्शन उड़ीसा होगा, एक तमिलनाडु होगा, एक राजस्थान होगा और एक नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट अरुणाचल प्रदेश जैसा डाल देंगे, तो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स हैं इंडिया के, तो तुम बिल्कुल आराम से इन्हें तब गेस कर पाते हो, ये कम से कम दो तीन स्टेट्स का गैप छोड़ के तुम्हें ऑप्शन आएगा, ताकि तुम इतना ज्यादा इनमें कंफ्यूज ना हो सको, क्योंकि एक ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी चीज नहीं है जो एक ही स्टेट में रहती है, ट्राइबल कम्युनिटीज हमेशा जंगल के अकॉर्डिंग रहती है, तो जंगल मल्टीपल स्टेट्स में लाई करते होते हैं, तो इस कारण ये ट्राइबल्स भी मल्टीपल स्टेट्स में क्रॉस ओवर करते हैं, जैसे संथल वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा ट्राइबल ग्रुप है संथल। इनकी जो लैंग्वेज एक्चुअली संथाली, ये जो लैंग्वेज बोलते हैं संथाली, ये लैंग्वेज तुम्हारे 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, हमारे इंडिया में हमने जो लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस शेड्यूल में लिख के रखी है वो है शेड्यूल 8, पॉलिटी में डिटेल में आएगा, शेड्यूल 8 में हमने लैंग्वेजेस लिख के रखी हैं, उसमें संथाली जो संथल्स की लैंग्वेज है इसे भी उसका पार्ट बनाए हुए है, ठीक है, तो ये इनकी तो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओरिजिनल 8 शेड्यूल में नहीं था, बाद में डाला गया है, ये हम बाद में डिटेल में जाके कवर करेंगे, ठीक है। 92 अमेंडमेंट से जोड़ गए इसको। हाँ जी, 92nd अमेंडमेंट 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा करंट अफेयर आज का जो है वो है ड्राफ्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी। ड्राफ्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी है क्या? देखो हम अपने डिफेंस सेक्टर को ना लगातार बढ़ाना चाहते हैं, अगर तुम डिफेंस सेक्टर को ग्रो करवाना चाहते हो, सिर्फ लोकल नीड्स पूरी करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुम्हारी आर्मी की नीड्स पूरी करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंस से लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने भी जरूरी है। डिफेंस से पैसे कैसे कमाओगे? डिफेंस से पैसे तभी कमा पाओगे अगर तुम ये सारी दुनिया में अपना सामान बेच पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। जैसे अमेरिका ज्यादातर जो पैसे कमाता है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसका एक्सपोर्ट है सारी दुनिया को, वो डिफेंस सेक्टर का ही है,
पूरी दुनिया को एयरक्राफ्ट, गन्स, आर्टिलरी, हर चीज सेल करना। और ये ऐसी मार्केट है जहां पे लगातार पूरी दुनिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो बजट कंट्रीब्यूशन है, वो बढ़ती जा रही है। हर कंट्री अपना बजट बढ़ाती जा रही है डिफेंस में, तो पैसा इस मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो हम भी इसकी तरफ फोकस करना चाहते हैं और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज को हम अपनी गन्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट सब कुछ बेच सकें। तो इसी विजन के साथ हमने 2025 का एक टारगेट सेट करते हुए अपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर को 25 बिलियन तक जाने का फैसला, मतलब एक तरह से एम सेट किया है। ठीक है, जैसे इंडियन रुपीस में 1,75,000 करोड़ कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे एरोस्पेस सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, हर सेक्टर को बढ़ावा देंगे, ये पूरा पॉलिसी है। इसमें अब दो चीजों पे काम किया जाएगा, डिफेंस सेक्टर लोकल इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ेगा, यानी कि हमारी अपनी आर्मी के लिए भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर वो ग्रो करना शुरू करेगा, यहाँ से कमाई करेगा, फिर वो रिसर्च और डेवलपमेंट में और पैसा लगाएगा। रिसर्च और डेवलपमेंट में और पैसा लगाएगा तो वो बेटर वेपन्स बना पाएगा। बेटर वेपन्स ही तो वो वेपन्स होंगे जो बाकी कंट्रीज खरीदना चाहेंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि एक यूएसए से गन बन के आ रही है, एक इसराइल से गन बन के आ रही है, और एक इंडिया से गन बन के आ रही है, हर कंट्री सिर्फ दो फैक्टर्स कंसिडर करेगी। एक तो ये सारे क्वालिटी कैसे दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे यूज हो सकती है, कितनी बैटरी यूज हो सकती है, दूसरी चीज उसका प्राइस क्या है, हमें इन दोनों में कंपेटिटिव बनना है। ठीक है, ये तो सिर्फ तीन कंट्रीज का एग्जांपल दिया है, लिस्ट में तो बहुत ज्यादा कंट्रीज आ जाती हैं, तो इस कारण हमें सबसे कंपीट करना बहुत जरूरी है। और कितनी वेरियंट से गन्स यूज हो सकती है, देखो गन्स के अलग अलग यूज होते हैं, एक क्लोज कॉम्बैक्ट में यूज होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होती है, अलग अलग यूजेस है। तुम अपनी गन को कितना फिजिबल बना सकते हो, कितनी और चीजें उसके साथ जुड़ सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे अब लोकल इंडस्ट्री, सबसे पहले हम अपनी जो अपनी आर्मी है इसकी फॉरेन प्रोक्योरमेंट कम करते हुए लोकल प्रोक्योरमेंट बढ़ाएंगे, सिर्फ आर्मी नहीं, नेवी और तुम्हारी एयरफोर्स भी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो काम करना है फिर से पहले करंट अफेयर की तरह ही, वो अब है कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करवाना। हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी इंडस्ट्री है, जितना भी हमारा डिफेंस का सामान बनता है, चाहे गन्स बन रही है, चाहे गोलियां तक बन रही है, वो मैक्सिमम तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनीज बना रही है, इनकी सरकारी कंपनीज बना रही है। हमने ये बोझ सारा सरकारी कंपनियों से उतार के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक टारगेट्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर अगर कमाई कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर को अगर इंसेंटिव लगेगा, तो प्राइवेट सेक्टर और नई नई चीजें बनाने में भी फोकस करेगा। तो जैसे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री इतनी क्यों ग्रो की हुई है, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर पे है। तो हर टाइप का, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे लेटेस्ट गन्स हो, सब कुछ अमेरिकन आर्मी को मिलता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लगातार एक दूसरे में कम्पीट करके ज्यादा से ज्यादा, देखो जब कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा प्राइवेट सेक्टर में, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, कंपटीशन क्रिएट होगा तो हर कोई बेटर से बेटर वेपन बनाने की कोशिश करेगा। तो एक तो हमारी आर्मी को ज्यादा बेटर चीजें मिलेंगी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी चीजें बेटर हो जाएगी। ये फोकस है इस सारी पॉलिसी का। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, कुछ टाइम में ये फाइनल हो जाएगी, तो हम फाइनल जो अल्टीमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी आएगी, अभी सिर्फ ड्राफ्ट बना है, अभी ये फाइनल नहीं हुई है। जब डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी फाइनल होगी तब उसमें और सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे, तब वो किसी आगे जाके करंट अफेयर में हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट इज स्टेट सर्विसेज के लिए एक स्पेशली फैक्ट। हमारी जो अरावली रेंज है, देखो जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, वैसे ही अगर मैं इंडिया को रफली ड्रॉ करूँ, रफ इंडिया के लिए इतना ठीक है, यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में
हमारी एक रेंज जो पहाड़ों की रेंज है इसे कहते हैं अरावली रेंज। ठीक है, ये पहाड़ों की रेंज है हमारे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या आता होता है, अरावली रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है? नॉर्थ में ये दिल्ली रिज को टच करती है और साउथ में ये तुम्हारे गुजरात को टच करती है। ठीक है, तो ये दोनों एंड्स पे ऐसे टच करती है। ठीक है, ये स्टेट सर्विसेज में बस डायरेक्टली ऑप्शन आता है कि अरावली रेंज पहले तो किस डायरेक्शन में, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेके गुजरात तक। ये सारी माउंटेन रेंज ऐसे इंडिया के ऐसे फैली हुई। क्लियर है, कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को भी? सर हाँ जी। आज वाला तो नहीं सर, पिछले 2 दिन में ना, 2-3 दिन में कुछ 2-3 न्यूज सुनी है। एक तो रशिया ने एंटी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, हाँ जी, उसके बारे में बता दे कुछ सर। वो मैंने सुना तो था लेकिन प्रॉपरली समझ नहीं पाया। सर A60 जो टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इस पर्पस के लिए बनाई जाती है। देखो, हर कंट्री ने अपनी एक सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके जो सैटेलाइट्स हैं, ड्रॉ करके बनाता हूँ, लिखने से बेटर है। देखो, हर कंट्री की अपनी पूरी दुनिया में निगरानी करने के लिए, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखने के लिए ना अपनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करके रखी हैं। जैसे USA की होगी, रशिया की होगी, जापान की होगी, चाइना की होगी, इंडिया की होगी। इंडिया अपने आसपास के 5,000 किलोमीटर को कवर करता है और लॉन्ग टर्म में हमने और बढ़ाने का भी सोचा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितनी भी तुम्हारे सैटेलाइट्स का नेटवर्क है हर देश का, तो अल्टीमेटली ये लगा के चलो कि लेट सपोज कल कोई भी वॉर होती है कंट्रीज में आपस में। ठीक है, लेट सपोज होनी तो नहीं चाहिए, रशिया और USA में कोई भी वॉर के सर्कमस्टांसेस हो जाते। देखो, आज के वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर निगरानी कर पाएगी। ठीक है, उसके ऊपर सारी वॉरफेयर डिपेंडेंट है। अगर तुम नीचे देख पा रहे हो एक एक ट्रूप की मूवमेंट कहाँ हो रही है, कहाँ उनकी प्लेसमेंट है, कहाँ हमला करना है, हर चीज प्लान आउट हो सकती है। जैसे इतनी ये सैटेलाइट इतनी प्रिसीजन से अर्थ के ऊपर देख सकती होती हैं कि तुम एक सोल्जर की बिल्कुल फेस तक भी जूम करके ये बता सकते हो कौन सोल्जर, कौन सा बंदा है। अगर तुम्हें फेस रिकॉग्निशन है तो ऊपर से तुम क्या कहते हैं उनके फेस तक देख सकते हो इतनी क्लियरली। अगर वो आसमान की तरफ देख रहे हैं तो उनका पूरा फेस दिख जाता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये लिटरली दुश्मन को पहले ही सब कुछ बता देती है कि कहाँ पे तुम्हारा क्या चल रहा है। तो इस मामले में जब भी कभी वॉर का सिनेरियो बनता है तब टेक्नोलॉजी जो काम आती है वो है ASAT। ASAT टेक्नोलॉजी क्या है? ASAT टेक्नोलॉजी से ये सैटेलाइट्स को उड़ा दिया जाएगा। अगर ये सैटेलाइट्स खत्म कर दी गई तो बेसिकली कोई भी स्पेस में आंख नहीं बची कंट्री की नजर रखने के लिए। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे, तो तुम्हारी आर्मी के ऊपर वो नजर नहीं रख पाएंगे। वही कंट्री अल्टीमेटली वॉर में हमेशा लीड लेके रखेगी जो कंट्री ज्यादा बेटर मॉनिटरिंग कर सकती है। जैसे हमारे पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान को लिटरली कुछ कभी पता नहीं चलेगा वॉर के टाइम के इंडिया क्या कर रहा है। पर हमारी सैटेलाइट्स लगातार पाकिस्तान के ऊपर फोकस्ड हैं, तो हम एक्चुअली पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर को मॉनिटर कर सकते हैं जब भी वॉर का सर्कमस्टांस आए। तो हम हर जगह देख सकते हैं कहाँ पे उनके ट्रूप इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पे टैंक्स की मूवमेंट है। हाँ जी। इनकी सर मतलब जैसे हमारा एक एंटी सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी अपनी कोई टेरिटरी होती है इसमें? मतलब उसमें लिखा हुआ था कि जो रशिया ने बनाया है उस मोड कंटिन्यूअसली अमेरिका और चाइना के जो ए सेट हैं उनको उनकी टेरिटरी में जाके उनको थ्रेट कर रहा है, ऐसा कुछ बताया हुआ था? देखो, ASAT दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। या तो तुम अर्थ से लॉन्च करके
नीचे से मिसाइल, एक स्पेशल मिसाइल होती है, उससे उड़ा सकते हैं। दूसरा होता है एक दूसरी सैटेलाइट ही लॉन्च कर दी जाती है जो इनसे ऊपर घूमती है। ये क्या करती है, ये ना यहाँ पे ऐसे घूमती फिरती रहेगी, ठीक है। जो चाइना ने भी यही किया है, रशिया ने भी यही किया, यूएसए ने भी यही किया, ये तीनों कंट्रीज ने ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाई है। तो इन तीनों के अब ए सैट होके रहे हैं, एक दूसरे के पास पास घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए सैट पे हमला करने के ही चांसेस हैं बाकी सैटेलाइट से पहले। तो ये करते क्या है, ये बाकी सैटेलाइट्स के बीच में क्यों घूमते रहते हैं, बेसिकली अगर इन्हें जैसे ही डायरेक्शन मिलती है कि एक्टिवेट होना है, तो इसके आसपास जितनी भी ये सैटेलाइट्स होंगी, ये सारी की सारी सैटेलाइट्स को ना ब्लॉक मार देगा, मतलब यहाँ पे सिग्नल ब्लॉक करने शुरू कर देगा। तो हमने लिटरली सैटेलाइट नहीं खत्म की हमने, पर उसके जो अर्थ को सिग्नल्स जा रहे थे वो ब्लॉक कर दिए, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगा। तो रशिया की यही, रशिया का जो ए सैट है कि इतना क्यों कंट्रोवर्सी में है, ये इन ए सैट को ही, ए सैट के ही सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा। तो अगर तुम्हारा ए सैट ही बंद हो गया तो तुम बाकी सैटेलाइट्स को कैसे खत्म करोगे, यही तो तुम्हारी कैपेबिलिटी थी स्पेस में, ठीक है। वो उस कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए एक और कैपेबिलिटी बना दी। तो डिफेंस में तो ये चलता ही रहता है, कोई कुछ बनाता है, अगली बारी कोई कुछ और कुछ बना देगा, तो लगातार इसी चीज के ऊपर हर कोई लड़ता रहता है इंटरनेशनल फ्रंट पे, ठीक है। बाकी इसका जो डिटेल है, जो बाई चांस वीकेंड पे जो करंट पे आते हैं, जब अल्टीमेटली पूरा मंथ पढ़ेंगे तब सारा कुछ कवर हो जाएगा। सर, एक एक और था सर, हाँ वो जी ईरान ने जो अंडरग्राउंड लॉन्च किया है मिसाइल का, सर, वो मैंने, मेरे ध्यान में नहीं आया, मैं पढ़ के कल बता दूंगा आपको फिर, ठीक है सर, ठीक ठीक है। वो मेरे नोटिस में ठीक नहीं है आया, सर, ठीक है। कोई और डाउट करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग किसी को? नहीं तो रोज की तरह अब आपकी 15 मिनट्स की ब्रेक है, 10:25 पे मिलते हैं, ठीक है। जो मॉर्निंग बैच वाले हैं वो सारे 10:25 तक अगर